नाम भी हो और भगवान की कथा भी हो, जब यह दोनों होंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा ही। और भागवत जी में लिखा है, जब सातों दिन की कथा पूर्ण हो जावे और जब आचार्य जी जाने लगे उससे पूर्व दशांश का हवन करावे, आपकी जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार लोगों को भोजन प्रसाद कराएं, और जब आचार्य जी जाने लगे तो उनकी संतुष्टि ही आपकी संपूर्ण सफलता का राज है, ऐसा भागवत जी में बताया है। इसके बाद जो पूजा की निर्वाण सामग्री बचे उस निर्वाण सामग्री को किसी बहते हुए जल में, और आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, माता नर्मदा आपके बिल्कुल समीप हैं, तो माँ नर्मदा के जल में, बहते हुए जल में निर्वाण सामग्री को प्रवाहित किया जाए और भगवान से प्रार्थना की जाए कि हमारा परिवार सकुशल इसी अनुसार चलता रहे, तो प्रतिवर्ष आपकी कृपा से कथा होती रहे, ऐसा भाव बना करके भगवान से निवेदन प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे भागवत जी में कथा के नियम लिखे हुए हैं।